हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग की इस क्लास में आज हम देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में और कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, कैसे डेटा टाइप्स होते हैं। प्रोग्रामिंग सीखे आज इस पहले क्लास लेक्चर में हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होता है। डेटा टाइप्स, कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली जो डेटा टाइप होता है वह किसी भी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में यूज किया जाने वाला डेटा का कीवर्ड्स होता है, जिसे बोलते हैं डेटा टाइप्स। कितने प्रकार के डेटा टाइप्स यूज किए जाते हैं प्रोग्रामिंग सी में। तो बेसिकली डेटा टाइप्स जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा टाइप और एक होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा टाइप को जनरली बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो प्राइमरी डेटा टाइप जो होता है बेसिकली यह कई प्रकार का होता है, जैसे वाइल्ड, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। तो प्राइमरी डेटा टाइप्स वो होते हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अदर डेटा की आवश्यकता नहीं होती है, ये सेल्फ होते हैं, जैसे वाइल्ड, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल। जबकि जो सेकेंडरी टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं ये प्राइमरी डेटा टाइप्स की सहायता से ही बनाए जाते हैं। तो सेकेंडरी डेटा टाइप चूंकि प्राइमरी की सहायता से बनाया जाता है इसलिए इसे कहा जाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या सेकेंडरी डेटा टाइप। ये जनरली होते हैं जैसे एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। इस पर ये वन बाय वन देखते हैं कि प्राइमरी डेटा टाइप और सेकेंडरी डेटा टाइप में क्या अंतर है। अगर प्राइमरी डेटा टाइप की बात करेंगे तो रिप्रेजेंट करने के लिए किसी डेटा की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे वाइल्ड। वाइल्ड क्या होता है बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में वाइल्ड का कोई खास मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, इसे एम्प्टी बोलते हैं। इसका मीनिंग अगर देखेंगे वाइल्ड का जो मीनिंग होता है एम्प्टी, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी किसी कीवर्ड की आवश्यकता या किसी वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर इसके साइज़ को अगर देखें साइज़, तो वाइड जो होता है बेसिकली 0 बाइट का, यानी कि यह कोई साइज़ भी नहीं लेता है। ये फर्स्ट है वाइड। सेकंड वाली वैल्यू को अगर देखें करेक्टर को CHAR से रिप्रेजेंट करते हैं, CHAR, और इसका मीनिंग होता है करेक्टर। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए परसेंटाइल सी का इस्तेमाल होता है, परसेंटाइल सी। तो करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए परसेंटाइल सी या परसेंटेज सी का इस्तेमाल करेंगे। और करेक्टर के अगर साइज़ को अगर हम लोग देखें तो इसकी साइज़ जो होती है वो 1 बाइट की होती है। 1 बाइट मीन्स 8 बिट की। तो अगर कहीं पर एक करेक्टर लिखा हुआ है तो वह 1 बाइट का स्पेस लेता है मेमोरी में, और अगर 2 करेक्टर कहीं पर लिखा गया है तो वह जो है प्रोग्रामिंग सी यानी कि मेमोरी में जो है वह 2 बाइट का डेटा लेता है। तीसरा होता है प्राइमरी डेटा टाइप इंटीजर। तो इंटीजर को शॉर्टकट में INT से रिप्रेजेंट करते हैं, और INT से लिखते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज डी से। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज डी से। और इसके अगर साइज़ को देखें तो इंटीजर जो होता है, अगर कहीं पर इंटीजर अगर कोई लिखा गया रहेगा अगर सी में, तो वह 2 बाइट का स्पेस लेता है, 2 बाइट। उसी प्रकार जो फोर्थ होता है प्राइमरी, वो होता है फ्लोट। फ्लोट को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरा का पूरा फ्लोट ही लिखते हैं, इसको फ्लोट ही लिखा जाता है और ये फ्लोट होता है, इसका मीनिंग भी है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए परसेंटाइल एफ का इस्तेमाल करते हैं, और ये साइज़ कितना लेता है, यह 4 बाइट का स्पेस लेता है। अगर एक फ्लोट वैल्यू लिखा गया प्रोग्रामिंग सी में तो मेमोरी का 4 बाइट स्पेस लेगा, 4 बाइट मीन्स 32 बिट्स। और लास्ट में होता है इसमें 5 डबल। डबल को अगर देखें तो डबल को डबल ही लिखते हैं, और यह लॉन्ग जो है फ्लोट वैल्यू होती है, डबल जो होती है वेरी लॉन्ग फ्लोट वैल्यू होती है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटाइल आई एफ से। और इसकी साइज़ जो होती है वह 8 बाइट की होती है, यह 8 बाइट का स्पेस लेता है। तो सबसे ज़्यादा स्पेस जो लेता है प्राइमरी डेटा टाइप में वो लेता है डबल, और सबसे कम स्पेस वाइड का कोई स्पेस ही नहीं लेता है। तो सबसे कम अगर देखा जाए तो कोई एक करेक्टर जो है वह सबसे कम डेटा लेता है, और डबल सबसे ज़्यादा स्पेस लेता है मेमोरी स्पेस।
बेसिकली सी में वाइड का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन करेक्टर को अगर देखें, जैसे अगर कोई लिखा है स्मॉल एम, तो स्मॉल एम एक करेक्टर है, कैपिटल एम यह भी एक करेक्टर है, डी यह भी एक करेक्टर है, लेकिन अगर ए बी सी तीनों एक साथ लिखेंगे तो यह करेक्टर नहीं कहलाएगा, यह स्ट्रिंग कहलाएगा। तो स्ट्रिंग को बाद में देखेंगे। करेक्टर में क्या होता है, कोई सिंगल चीज़ होती है और इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में इनक्लोज करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कामा में। तो जैसे अगर करेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा, जैसे अगर टू लिखा है तो टू बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू है, लेकिन अगर इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे तो यह कहलाएगा करेक्टर। अगर थ्री लिखा है तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे तो यह कहलाएगा करेक्टर, लेकिन अगर टू थ्री है तो इन दोनों को एक साथ सिंगल इन्वर्टेड कामा में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि करेक्टर हमेशा एक बार में एक ही डिजिट का होता है। तो यह जो है रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होगा, यह गलत हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा, टू और थ्री। तो टू थ्री क्या कहलाएगा, एक करेक्टर। करेक्टर तब कहलाएगा जब इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। जैसे लिखा है पी, कैपिटल पी हो चाहे स्मॉल पी हो, अगर इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे तो ये कहलाएगा करेक्टर। तो इंटीजर बेसिकली क्या होता है, इंटीजर जैसे कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, इंटीजर जैसे लिखा है 23 यह एक इंटीजर है, 56 एक इंटीजर है, 745 एक क्या है, इंटीजर है, 876 क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर क्या होता है, वह वैल्यू जो फ्रैक्शन से पहले होती है उसे इंटीजर कहते हैं। यह कितना स्पेस लेता है, 2 बाइट का। उसी प्रकार अगर फ्लोट को देखेंगे तो फ्लोट होता है फ्रैक्शनल पॉइंट। जैसे अगर लिखा है 23.6 तो यह फ्लोट को रिप्रेजेंट करेगा, और लिखा है 23.0 तो यह फ्लोट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन 23.0 को हम 23 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन 23.0 लिखना प्रोग्रामिंग सी के लिए या डेटा टाइप्स के लिए यह फ्लोट के अंतर्गत आता है, जबकि 23 इंटीजर के अंतर्गत आएगा। तो इसमें पॉइंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे 26.394 यह कहलाएगा फ्लोट वैल्यू, -71.896 ये क्या कहलाएगा, फ्लोट वैल्यू। उसी प्रकार अगर डबल को देखें तो डबल जो होती है वेरी लॉन्ग फ्लोट वैल्यू होती है। वेरी लॉन्ग फ्लोट वैल्यू का मतलब जैसे लिखा है 2.398610 इस तरह से अगर कोई वैल्यू है तो यह डबल को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि डबल जो होती है काफ़ी लॉन्ग फ्लोट वैल्यू होती है। सेकेंडरी डेटा टाइप्स, जिसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी कहते हैं, तो इसमें आता है एरे। पहला है एरे। तो एरे क्या होता है, किसी भी सेम टाइप के डेटा का कलेक्शन होता है। एरे सेम टाइप के आइटम्स का कलेक्शन होता है। जैसे अगर हम मार्कर की बात करेंगे तो अगर मार्कर रेड कलर का है, ब्लैक कलर का है, येलो कलर का है, तो ये सब मार्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मार्कर जो है क्या कहलाएगा, एरे। तो मार्कर को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस प्रकार, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरे जो होता है वह सेम डेटा टाइप्स, सेम आइटम का कलेक्शन होता है। जैसे कोई स्टूडेंट है जो कोई एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम में उसको मार्क्स मिला है, जैसे फिजिक्स में कुछ और मार्क्स मिला है, हिंदी में कुछ और मार्क्स मिला है, मैथ में कुछ और मार्क्स मिला है, तो यह फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो मार्क्स है, इन मार्क्स का जो कलेक्शन एक तरफ जो डेटा बनाएंगे वह कहलाएगा एरे। तो मार्क्स यानी मार्क्स को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें तो यह एरे को रिप्रेजेंट करेगा। कई कलर के मार्कर हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो यह एरे को रिप्रेजेंट करेगा। उसी प्रकार सेकंड वाले टर्म को देखें, पॉइंटर। तो पॉइंटर बेसिकली क्या होता है, किसी भी डेटा या वेरिएबल का एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। एड्रेस, तो एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। और पॉइंटर जो होता है, एड्रेस किसी चीज़ का पता करने के लिए परसेंटाइल एस का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंटर किसी भी वेरिएबल या डेटा टाइप का या किसी भी कीवर्ड का एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार थर्ड अगर देखें स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, यह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा का कलेक्शन होता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, किसी स्कूल में पढ़ रहा है, किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसके स्कूल का या उसके कॉलेज का जो नेम होगा, उस लड़के का जो नेम होगा, उस लड़के का जो रोल नंबर होगा, उस लड़के का जो ब्रांच होगा, तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों का जो कलेक्शन होगा वो कहलाएगा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटाज का कलेक्शन होता है।
और इनको स्टोर करने के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस की आवश्यकता होती है, यानी डिफरेंट मेमोरी स्पेस में इनको स्टोर किया जाता है। उसी प्रकार फोर्थ होता है यूनियन। तो यूनियन को अगर देखें तो यूनियन बेसिकली यह भी डिफरेंट टाइप के डेटाज का कलेक्शन होता है, जैसे किसी स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, स्कूल का नेम, रोल नंबर, ब्रांच वगैरह। लेकिन इनको जब स्टोर करते हैं तो एक सिंगल मेमोरी स्पेस में स्टोर करते हैं। तो किसी स्टूडेंट का कलेक्शन नेम, ब्रांच नेम, रोल नंबर, जो भी इसका कलेक्शन है या डेटा है या इसके जितने भी इन्फॉर्मेशन है, इनको अगर हम एक ही मेमोरी स्पेस में, यानी कि सिंगल मेमोरी अगर स्पेस में अगर इसको स्टोर किया जाता है तो वो कहलाता है यूनियन। तो एक समरी अगर देखें कि सेकेंडरी डेटा टाइप्स, तो सेकेंडरी बेसिकली जो डेटा टाइप्स होते हैं वह प्राइमरी डेटा टाइप्स की सहायता से बना जाते हैं। तो जो डेटाज प्राइमरी की हेल्प से बनाए जाते हैं या रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसे सेकेंडरी डेटा टाइप्स कहते हैं। और ये यूजर डिफाइंड, क्योंकि यूजर इसको बनाते हैं जो प्रोग्रामिंग करता है, तो इसलिए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी कहते हैं।